नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे भेजने पर आमादा मोदी सरकार की जांच एजेंसी ईडी की हरकतों को आंखों के सामने होता देख भी जब देश की सर्वोच्च अदालत यह कहती है कि समानता नियम कानून का पाठ पढ़ लीजिए, तब धाकड़ वकील कपिल सिब्बल के सब्र का बांध भी टूट जाता है। उनका कहना होता है, जब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत किसी व्यक्ति के लिए रात के अंधेरे में बेंच बिठा सकती है, तो जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को या फिर विपक्ष के की नेता को अगर पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, वो भी राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर, तो क्या ऐसे मामले में भी समानता और विशेषता का पाठ सर्वोच्च अदालत पढ़ाएगा? कपिल सिब्बल ने इस बार सीधा सीधा हिसाब जस्टिस खन्ना से ही कर लिया। जस्टिस खन्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े जज हैं, उनके सामने कपिल सिब्बल ने दिल की बात कह डाली और कहा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप लोगों को स्वर्णिम अक्षरों में तो नहीं लिखा जाएगा। एक और जहां ईडी की मनमानी शक्तियों को चुनौती देने वाले विजय मदन लाल चौधरी वाली याचिका अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, वह केस खुलते ही किसी न किसी कारणवश बेंच ही भंग कर दी जाती है। वह केस जिसको लेकर संजय किशन कौल सुनवाई करते करते रिटायर हो गए और बहुत गंभीर सवाल छोड़ गए, आज वही ईडी उसी शक्तियों का दुरुपयोग कर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसे ऐसे कार्रवाई कर रही है जिस पर पूरा देश हैरानी व्यक्त कर रहा है कि यह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई नहीं तो और क्या है। कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी हेमंत सोरेन का केस हो, अरविंद केजरीवाल का केस हो, मनीष सिसोदिया का केस हो, या संजय सिंह, सत्येंद्र जैन समेत तमाम बड़े नेताओं का केस आ जाए तो क्या होता है? साफ तौर पर कहा जाता है कि जाइए निचली अदालत में आप बात कीजिए, जबकि वो तमाम पिछले केसेज को देख रहे हैं कि जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक में किसी को भी राहत नहीं मिल रही है। बेल इज रूल प्रिंसिपल को ही अदालतें भूल चुकी हैं। खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस बात को समझते हैं। इन सब के बावजूद, इतने सारे केस होने के बाद, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री का केस हो या फिर केसीआर जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी बेटी का केस हो, ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जाइए निचली अदालत से होते हुए आइए, हाई कोर्ट से होते हुए आइए, फिर चाहे यहां पहाड़ ही क्यों ना टूट पड़े, वो अब आम कैटेगरी में सबको गिनना चाहते हैं। गिनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह तब गिना जाना चाहिए था जब सुप्रीम कोर्ट यह महसूस ना कर पाए कि जो लोअर जुडिशरी है या फिर जो ईडी की कार्यशैली है, उन सब में कहीं ना कहीं एक सवाल तो जरूर दिखाई पड़ता है, ना ही कहीं राहत, और हर केस में फैसला ईडी के ही फेवर में क्यों आता है, यह भी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा तो कौन देखेगा। इसको लेकर अब जब सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल के सब्र का बांध टूटा तो कोर्ट रूम में बहस की दिशा कहां से कहां गई वो हम आपको बताने वाले हैं। फाइनली जो ट्रायल कोर्ट है जहां पर जमानत की उम्मीद के कविता कर रही थी केसीआर की बेटी, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी एमएलसी भी है, उन्हें अब और भी अधिक समय तक ईडी के पास ही रहने के लिए रिमांड की अनुमति भी ट्रायल कोर्ट से मिल गई है। लेकिन कपिल सिब्बल जो के कविता का भी केस प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये जानना समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हिंदुस्तान ने क्या जानकारी दी है। यहां लिखा गया है, भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को तीखी बहस हुई। कविता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यहां तक कह दिया, केस कोर्ट का इतिहास स्वर्णिम काल में नहीं लिखा जाएगा।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि उसके लिए सभी लोग एक समान हैं और किसी खास व्यक्ति के लिए कानून को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब खास व्यक्ति के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता यह मानते हैं, लेकिन हमने खबर की शुरुआत में ही यह बातें कही हैं कि आप देखेंगे कि तमाम केस में जो जिला अदालतें हैं, ट्रायल कोर्ट्स हैं, वो फैसले सरकार के पक्ष में कर रही हैं और उसी धरने पर ईडी एक के बाद एक जो कार्रवाई है, गिरफ्तारी है, वो चुनाव के आसपास करती जा रही है, सबको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे जा रहा है। क्या अदालत ऐसे मामले में किसी पैटर्न को महसूस नहीं कर पा रही और इस पैटर्न के आधार पर क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता है कि उन्हें एक बार फिर से रात के अंधेरे में भी बेंच बिठाने की जरूरत है? खबर में देखिए क्या हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया। कविता को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कविता से निचली अदालत में जाने को कहा। पीठ ने कहा कि यह एक प्रक्रिया है जिसका यह अदालत पालन कर रही है और वह प्रोटोकॉल को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मत कीजिए, लेकिन अदालत को तमाम इस व्यवस्था को गौर से पढ़ने की जरूरत है या फिर पढ़ लेने के बाद आंख मूंद कर अगर ऐसे आदेश आते रहेंगे या फिर उन्हें बार बार वहीं भेजा जाएगा जहां से तमाम ऐसे विपक्ष के नेताओं को सिर्फ निराशा हाथ लगती है। तमाम दमदार दलीलों के बावजूद भी अदालतों में बैठे जज मोहलत लेते हैं और कुछ देर बाद फैसला सरकारी वकील के पक्ष में या ईडी के पक्ष में सुना देते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में भी अगर सर्वोच्च अदालत दखल नहीं देगी तो कौन देगा? आइए आगे देखते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि आप मुझे हाईकोर्ट जाने के लिए नहीं कहिएगा, आपको मेरी याचिका यही खारिज करनी है कीजिए, लेकिन ये चक्कर मत लगवाइए, ये जनहित याचिका के तौर पर हम यहां आए हैं। कोई अगर मुख्यमंत्री को ही गिरफ्तार कर लेगा, वो तो जनता का चुना हुआ एक नेता है, जनादेश मिला उसकी पार्टी को कि सरकार चलाओ, और ऐसे में आप उन्हें सीधे दरकिनार कर देते हैं। जरा देखिए यहां पर क्या लिखा गया। कपिल सिब्बल ने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। सुनवाई की शुरुआत में सिब्बल ने पीठ से कहा, आपसे केवल एक गुजारिश, प्लीज मुझे हाईकोर्ट वापस जाने के लिए ना कहें, यहीं सुनवाई करें, मेरे खिलाफ फैसला दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है, हर बयान सरकारी गवाह का है, सबूत का एक भी टुकड़ा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं। उन्होंने कहा कि सिर्फ अप्रूवल के आधार पर ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लेकिन सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं है, एक टुकड़ा नहीं है। तो जज साहब कहते हैं कि अरे आप क्यों इमोशनल हो रहे हैं, आपको, आप वकील हैं, आपको भावनात्मक दृष्टिकोण से यह केस नहीं लड़ना चाहिए। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। इस पर पीठ ने कहा, एक वकील होने के नाते आपको कभी परेशान नहीं होना चाहिए, निर्णय लेना इतना आसान नहीं होता है, इतना भावुक मत होइए। मुख्य रिट याचिका लगाई जा सकती है जहां तक जमानत का सवाल है, तो ट्रायल कोर्ट से गुजरना होगा। अदालत ने कहा कि उसे कानून का पालन करना होगा। जब संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि बीआरएस नेता को ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, तो सिब्बल ने इसका बचाव किया। सिब्बल ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का हवाला दिया। उन्होंने बेंच से कहा, माय लॉर्ड्स, हेमंत सोरेन के मामले में क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट में क्या हो रहा है, यह नहीं हो सकता। और फिर जज साहब कहते हैं कि राजनीतिक मंच ना बनाए, जबकि कपिल सिब्बल ने उस वक्त भी कहा था कि अब यह जो ट्रायल कोर्ट में मामला जाता है, फिर हाईकोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट फिर वहीं भेज देता है, इस दरमियान ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट का खेल करती है, रोज नए सबूत गढ़ती है, जब तक कि उसके पास सबूत नहीं आ जाता तब तक सबको सलाखों के पीछे रखना चाहती है। और इस खेल को कपिल सिब्बल अच्छे से जानते हैं, इस वजह से वो
एक जनहित याचिका के तौर पर, आर्टिकल 32 के तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा। यहां देखिए लिखा गया है कि इस पर अदालत ने कहा, कृपया इसे राजनीतिक मंच ना बनाएं, आप हमसे जो करने के लिए कह रहे हैं वह संभव नहीं है। आप हमसे अनुच्छेद 32 के तहत किसी याचिका पर सीधे विचार करने के लिए सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, नियम सभी के लिए एक समान होंगे। यहां पर जज साहब कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपके सभी मामले आर्टिकल 32 के तहत सुन लिए जाए, यह नहीं हो सकता। लेकिन आप देखें, ईडी ने जितने पर कार्रवाई की है, जितने लोगों पर, उन तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की या फिर उन लोगों को चक्कर लगवाया है कि आप जाओ निचली अदालत से घूम कर आओ, ट्रायल कोर्ट घूमो, हाई कोर्ट घूमो, फिर आना हमारे पास, तब हम केस को सुनेंगे। और यह देखते हुए कि पिछले जितने भी केसेज आए सब में ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है, तब भी किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अर्जेंसी को नहीं समझा, नहीं परखा। और अंत में कपिल सिब्बल ने अब अपनी बातें रख दी जो उन्हें कहना था। यहां लिखा हुआ है कि सुनवाई पूरी होने के बाद निराश होकर सिब्बल ने कहा, क्या मैं कुछ कह सकता हूं, मुझे उम्मीद है कि योर लॉर्डशिप बुरा नहीं मानेंगे, इस अदालत का इतिहास लिखा जाएगा लेकिन यह स्वर्णिम काल में नहीं लिखा जाएगा। इस पर पीठ ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम देखेंगे, हमें एक समान व्यवहार करना होगा। अब एक समान व्यवहार वो कर रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं, और अपने आंखों के सामने हो रही ज्यादती को महसूस करते हुए भी आंखें बंद कर ले रहे हैं। और जुडिशरी अगर ऐसे मामले में दखल नहीं देगी तो कब देगी? चुनाव आयोग भी इस बात को अच्छे से समझ रहा होगा कि जिस तरीके से इस वक्त एक जानबूझकर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई सरकार की जांच एजेंसियां चुनाव से ठीक पहले कर रही हैं ताकि विपक्ष का कोई नेता चुनाव प्रचार तक नहीं कर सके और अपनी पार्टी को यूं ही डूबता हुआ देख ले, तो ऐसे हालात में भी क्या क्लीन एंड फेयर और बराबरी की राजनीति की उम्मीद आप कर सकते हैं? अगर ऐसे हालात में चुनाव आयोग दखल नहीं देगा तो फिर कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा तो कौन देगा? कपिल सिब्बल की निराशा जाहिर है और इसमें तनिक भी गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुनवाई तो करनी ही चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।